पुलिस लाइन गोंडा में हर्षोल्लास के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी मार्कंडे साई व पुलिस कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण। मुख्य वशिष्ठ अतिथि कमिश्नर एमपी अग्रवाल को परेड के जवानों ने दी सलामी। उत्कर्ष कार्यों के लिए पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने प्रस्तुत पत्र चिन्ह से किया सम्मानित। रिपोर्ट हामिद अली। आज 73वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, गोंडा में भी मनाया गया है, आपका इस पर क्या कहना है? आज रिपब्लिक डे के अवसर पर पुलिस लाइन गोंडा में भव्य परेड का आयोजन किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न कॉलेजों में स्कूलों से आए हुए बच्चों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया। आज के मुख्य अतिथि हमारे कमिश्नर साहब रहे और इस मौके पर हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीआई सर, डीएम साहब एवं अन्य जो ऑफिसर्स थे वो मौजूद रहे, जनता के लोग मौजूद रहे, मीडिया बंधु हमारे मौजूद रहे और भव्य कार्यक्रम को सकुशल यहाँ आयोजन किया गया और सभी को पूरे पुलिस लाइन की तरफ से, हमारे ऑफिसर्स की तरफ से, हमारे जवान की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और लोगों को मतलब आपके द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और आज वर्ष 2021 में सराहनीय कार्य करने वाले जितने भी हमारे साथी थे, कर्मचारी थे पुलिस के, उन सभी को सम्मानित भी किया गया एवं अन्य भी जो हमारे साथी थे उनको भी धन्यवाद ज्ञापन किया गया कि इसी तरीके से पुलिस के लिए, समाज के लिए लगातार कार्य करते रहिए। और एक बार पूरा पूरे पुलिस परिवार की तरफ से हमारे जितने भी जनपद गोंडा के निवासी हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे एक साथी अजीत प्रताप सिंह, जो कि एक्स सर्विस मैन भी है, उन्होंने अपने कला का परिचय देते हुए अपने बालों से 3 गाड़ियां, छोटे वाहन, जिप्सी और कार खींच के दिखाया और इस कला के लिए इनको 1,000 रुपये नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अजीत प्रताप सिंह जनपद गोंडा के रहने वाले हैं, सीआरपीएफ में पहले ये थे, पहले भी ये कई इस तरीके के कला का अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और ये इनका शौक है कि अपने बालों से गाड़ियाँ, बड़े वाहन भी, ट्रक इत्यादि भी खींच के ये रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। आज जनपद गोंडा में पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्होंने अपने कला का परिचय देते हुए इस रिकॉर्ड को बनाया है जिसमें 3 गाड़ियों को खींचा है और इस अवसर पर हमने 1,000 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित करते हुए भविष्य में भी अपना कला का परिचय देते रहे, यही हम लोगों की शुभकामनाएं इनके लिए रहेगी।